गाइस, इस वीडियो तक पहुंचने से पहले आपने बहुत सी फेक वीडियोस और कुछ वीडियोस जो कि पहले काम करती थी अब नहीं करती है वो वीडियोस देखे होंगे और कुछ एम्यूलेटर वाली वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ तरीके वर्क नहीं करते हैं, कुछ वर्क करते हैं तो भी एक्सपायर हो चुके होते हैं और कुछ तो एम्यूलेटर वाले निकलते हैं। तो गाइस, मेरा जो मेथड है, मेरा मेथड है सीरियल की वाला, जो कि अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो आप नई सीरियल की डाल के, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में, हर महीने अपग्रेड होती जाएगी, हर महीने नई नई सीरियल की जो कि वर्क करती है इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे आती रहेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कभी कभी तो नए वीडियोस भी ले आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर, नए सीरियल की इसके साथ, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। तो गाइस, मेरा नाम मोहित और मैं फिर से आज को नए वीडियो के साथ, और क्या करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वेट किस बात का यार, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैंने आपको जो फाइल दी गई है डिस्क्रिप्शन में उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। 5 सेकंड वेट है उसके पैड का बटन दबा के। इसकी मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ये सिर्फ 3.1 MB का है। आपकी फाइल और मेरी फाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये एक सेम फाइल है, इंस्टॉल सील्ड है। ये इंस्टॉल करेगा पबजी को आपके पीसी के अंदर। इसको सिंपली ओपन कर लेना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसको ओके दबा लेना है यहाँ से, उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन होगी। गाइस, एम्यूलेटर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक एम्यूलेटर नहीं है, ये ओरिजिनल पबजी का सेटअप है, ये ऑफिशियल तो नहीं है, ये फैन मेड है। आई एक्सेप्ट बटन करके नेक्स्ट, और जहां पे आपको कर लेना है गेम को इंस्टॉल, जहां पे आप चाहते हो कि आपका गेम वहां पे इंस्टॉल हो, मैं तो कहता हूँ आप सी ड्राइव में ही करो, लेकिन जहां आपको आपका मन हो वहां पे आप कीजिए। मैंने पहले इसका फोल्डर बना रखा है, और उसके बाद इंस्टॉल का बटन आपको सिंपली दबा लेना है। इंस्टॉल दबाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड होगा, और वहां पे लिखा हुआ था 30 GB, लेकिन वो 30 GB डाउनलोड नहीं करेगा, वो कुछ ही 5 या 10 GB डाउनलोड करेगा। अगर आपके पास वाईफाई है तो ज्यादा सही रहेगा गाइस, क्योंकि वाईफाई में काफी अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा। पूरा 100% डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा, और उसके बाद सीरियल की आपसे मांगेगा, जो कि लाइसेंस की होती है वो आपसे मांगेगा। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बहुत सी लाइसेंस की दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उनमें से कुछ आपकी वर्क करेगी, कुछ नहीं करेगी, डिपेंड करता है कि वो एक्सपायर हो चुकी है या नहीं। जैसे ही सारी के सारी लाइसेंस की एक्सपायर हो जाएगी, मैं आपको एक नई लाइसेंस की लाके दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको जैसे ही ये एक्सपायर होगा आपको मिल जाएगा वो नया। और अगर मुझे पता नहीं चलता है तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने यहाँ पे तीनों लिखी थी और ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली है। कन्फर्म का बटन दबाता हूँ, तो ये भी शायद काम नहीं करेगी, ये भी बोला है कि इज़ नॉट करेक्ट, एक्सपायर हो चुकी है। सेकेंड वाली ये भी एक्सपायर्ड ही है, मुझे पता है ये सारी एक्सपायर्ड है, लेटेस्ट नहीं है ये। इसको काट के हो गया पेस्ट, तो अब कन्फर्म कर देता हूँ, ये भी एक्सपायर्ड है, मैंने जानबूझ के एक्सपायर्ड किया है। चलो अब थर्ड वाली को ट्राई करते हैं, ये तो 100% वर्क करेगा, अभी तक की ये लेटेस्ट वाली है। चलो इसको सिलेक्ट और फिर यहाँ पे पेस्ट, Ctrl+P, और फिर कन्फर्म का जो बटन है इसको दबा लेना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको कर लेना है, और फिर फिनिश का जो बटन है वो आपको दबा लेना है गाइस। और फिनिश दबाने के बाद आपका सिंपली पबजी ऑन हो जाएगा। और कुछ में से आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पबजी ऑन तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा होता है उनका। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी पीसी में पबजी रन नहीं कर सकता है, पबजी किसी भी हालत में रन नहीं करेगा। उनका रैम अच्छा नहीं होगा, या फिर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा उनके पीसी में अच्छा खासा, या बहुत ही पुराना ग्राफिक कार्ड होता है, 512 MB या फिर 256 MB वाला। तो यहाँ से आपको प्लेयर सिलेक्ट करना है कस्टमाइजेशन में जाके, और मैच अपना स्टार्ट कर लेना है। और आप अपनी अलग से आईडी भी डाल सकते हो, और जैसे ही आपकी ये जो की एक्सपायर होती है मुझे कमेंट बॉक्स में जाके रिप्लाई कर देना, क्योंकि कभी कभी क्या पता मैं भूल जाऊँ। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा पबजी के ऊपर, एक नई सीरियल की इसके साथ, और क्या पता मैं डिस्क्रिप्शन में ही सीरियल की इसको बदल दूँ, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा बाद में। कोई नहीं, गुड बाय एंड